इस तरह से हम जहां तक कल छोड़े थे 6 उसके आगे का है, ये लेसन खत्म हो जाएगा। द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। आज आपका है पार्ट ये रेस्पिरेशन का, श्वसन कैसे लेते हम लोग, इसका चर्चा करते हैं। देखिए, जितना भी ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो मूव एंड स्टे लाइफ, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू रेस्पिरेशन। अब जो हम लोग भोजन करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू ही ये भोजन पचता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, समझे। एक आप लेते हैं नाक से पानी हवा, तो आप श्वसन करते, ब्रीथिंग करते। आपका जब नाक के अंदर पेट में ये ऑक्सीजन जाती है, तो शरीर के अंदर ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन को सक करके छोटे छोटे अलवेली होते हैं हार्ट के अंदर, उस ऑक्सीजन को अंदर रिसीव करके पूरे ब्लड में मिला देते हैं, और ब्लड जब पूरे शरीर में संचरण करती है, घूमती है, विचरण करती है, तो जब विचरण करने के दौरान, घूमने के दौरान क्या होती है, उसमें कुछ वेस्टेज मिल जाती है जो CO2 के रूप में होती है, और उस CO2 को पुनः उसी लंग के पास ला करके और नाक से बाहर कर दी। तो हम लोग लेते ऑक्सीजन है और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ये एक केमिकल प्रक्रिया है। फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करती है, यानी कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे एनर्जी रिलीज होती है शरीर के अंदर। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल अंडर गो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही अपने भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। को मुंह में मार के दूचटा इसको आराम दूचटा किताब नहीं निकालेगी रे बाबू सृष्टि, तो किताब रे ऐसे बैठा हुआ है रे। अभी पॉज कर दिए, दी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन को बाहर निकाल। कौन कौन कर रहे हैं रे, क्लास 7 वाला बच्चा है, इसको पॉज करो। तो रेस्पिरेशन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। मैं आपको अगर सिंपल सिस्टम से अगर इसको समझाऊं थोड़ा याद रह जाएगा, और आप ऐसे भी क्लास 10 में फिर से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं कैसे काम करता है। नाक के माध्यम से, जितेंद्र तुम बाहर खड़ा रहो 15 मिनट, आवाज तुम्हारा आया है। शिवम आया तो भी तुम ही बाहर जाएगा, ठीक है, ओके, कंफर्म। नेक्स्ट, नोज, विंड पाइप, लंग, क्योंकि उसको नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि हम भी को भी वही करना है। करना क्या है, पढ़ने में ना तुम कर पढ़ाई ध्यान दे रहा है ना वो दे रहा है, बेटर है वो तुमसे, पर हम माल तो देता है। नोज, विंड पाइप, लंग, ये सुनोगे तो तुम्हारा भी फायदा की बात है। वो नाक से सांस जो लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, खाना कैसे पचता है शरीर में, ऐ उसको बता, जितेंद्र बताया कैसे पचता है खाना,
कैसे, वही पूछ रहा हूँ। तो सुनो, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, ये ऑक्सीजन क्या करती है, यही पूरे शरीर में तुमको मालूम होगा कंबस्चन के लिए तीन चीज जरूरी है, एक ऑक्सीजन, दूसरा जलने वाला पदार्थ, तीसरा जिसको जलाना है मतलब माचिस ऐसा कुछ, तिली, जिसे जिस उसको तुम इग्निशन टेम्परेचर को डैमेज करोगे, तीन चीज की जरूरत है। तो हमारे पास भोजन तो चला गया पका हुआ, ठीक, लेकिन पेट के अंदर में जो है एक किस्म का, ऐसा समझ लीजिए एक आप कुछ ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक हीट बाहर प्रोड्यूस होती है, तो हीट भी है बट अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या वो ब्रेकिंग डाउन होगा। यही कारण है कि हम लोगों को ऑक्सीजन जीने के लिए एकदम जरूरी है, यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जिससे ये भोजन को, ये तो नहीं है हमारा शरीर में मसल्स है, खाते क्या है भात, मसल्स को जब काट के चेक करते क्या निकलता है, मांस, तो ये तो नहीं ये एनर्जी सीधा भाते चला जाता है बॉडी के अंदर, ऐसा तो नहीं, वो ब्रेकिंग डाउन होता है एटीपी में, एक फॉस्फेट होता है जो एनर्जी का रूप होती है, ऊर्जा कहते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में ऑक्सीजन ही उसको कैरी फॉरवर्ड करके पूरे शरीर में पहुंचाती है, और जिस जगह ये ऑक्सीजन ना पहुंचे वो जगह आपका काम ही नहीं करेगा, इसी को कहते हैं इसको पैरालिसिस हो गया। देखेंगे पूरे शरीर का फंक्शन काम करेगा, कोई एक बॉडी का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड कर रही है आगे की ओर वो कैरी नहीं कर पाती है, जिसके कारण वहां पर सेल्स, वहां के सेल डेड कर गए, सेल मर चुके। अब जब सेल मर गया तो फंक्शन बंद हो, इंसान मरता है, क्या मरता है, सेल मर जाता है, पूरा उसका सेल ही काम करना बंद कर देता है, पहले नहीं करता, आत्मा बोलती बाहर, ये आत्मा क्या हो गया, शरीर ने फंक्शन ही करना बंद कर दिया, ठीक है। सो एयर कंटेंट ऑक्सीजन गैस, सो द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, इसी रेस्पिरेशन को करने के लिए हमारे नाक ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। इसके थोड़ा सा अगर हम डिटेल्स बताते हैं आपको और समझ में आ जाए, हालांकि ये डिटेल आपके बुक का नहीं है, क्लास 10 के बुक का है, लेकिन थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। जब नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो जो हार्ट, यहाँ जो लंग्स है एक नीचे, हार्ट का थोड़ा सा पीछे, पीठ का उधर एक मुट्ठी लंग है, वो लंग क्या करता है, फेफड़ा जो है एक खास किस्म का मसल से बना है, वहां पर एक छोटा छोटा गोल गोल टाइप का अलवली कहते हैं उसको, वो छोटा छोटे बहुत सारे अलवली पेवरेट्स, वो अगर बाहर खुल जाए तो 8 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर खोल कर देगा, इतना छोटा छोटा गुल्ली है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए पानी सोखने वाला जैसे एक वो स्पंज आता है, तो ऐसे डालिएगा पानी को सोख ले, ठीक उसी किस्म का उस छाती के अंदर अलवली गोल गोल जैसे आवाज आती है सोख लेती है, और उसको एक नली से तुरंत ब्लड में मिला देती है, और दूसरा नली से ऑक्सीजन वाला ब्लड आती है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर के जिसमें CO2 मिला होता है, उसको भी लंग के पास लाती है, एक लेके जाती है ऑक्सीजन को और दूसरा उधर से CO2 बना के ला दे, तभी तो आप एक बार ऑक्सीजन लेते हैं इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम, तो इतना लग रहा है लंबा ये प्रोसेस 1 घंटे का चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन 1 सेकंड में हो रहा है, 1 मिनट में 72 बार हो जा रहा है, कितना बार आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, 5 मिनट रोक सकते हैं क्या, एक बार रोक सकते हैं, बार बार कहें रोकने तो खत्म, क्रियाकलाप बंद, ऑक्सीजन बंद, काम संपन्न। तो ये काम होती है नाक से ऑक्सीजन लेकर के हम लोग, वही अलवली उसको सक करता है, और दूसरे तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड वहां पहुंचता है खून के,
उससे CO2 बाहर निकाल देता है नाक से और दूसरे तरफ से ऑक्सीजन जाता है, पहली तरफ से CO2, मतलब ऐसा समझ लीजिए चूल्हा, इधर से आग जला रहे हैं उधर से धुआं फेंक रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे ही फंक्शन छाती के अंदर हो रहा है, पेट के अंदर हो रहा है मछली। लेकिन ये सांस की प्रक्रिया जो मछली होती है वो गिल्स से करती, उसके मुंह के अंदर आप देखे होंगे एक लाल जैसा चकता ऐसा राउंड शेप रहता है, ये ना कवर, ये गिल यही सेक करती, यही सक कर लेती, ये ऑक्सीजन से पानी से ऑक्सीजन को बाहर कर अंदर अपने शरीर में ले लेती है और उसी पानी में वापस CO2 को छोड़ देती है। इसीलिए आपको याद होगा आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो आप देखे होंगे कि हमको हर हफ्ते उसमें पानी बदलना पड़ता है, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, या तो ऊपर छेदा छोड़ना पड़ता है, छेदा भी छोड़ना पड़ता है ताकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाकर के वहां पानी मिलता रहे, या आपको उस एक्वेरियम का पानी बदलना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पानी में कंप्लीट CO2 हो जाएगा, अब दिखेगा तो नहीं है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, आपकी मछलियां स्वर सुधार जाएगी, इसीलिए एक्वेरियम में पानी को बदलते रहना चाहिए। केचुआ जो होता है अर्थवर्म, ये पूरे शरीर से उसके मॉइस्ट स्किन होते हैं, मतलब आप देखे भी होंगे अगर कभी घर में बारिश के दिन में, अरे ऐसे भी ऊपर का जो चमड़ी होता है हल्का गीला गीला सा होता है, मॉइस्चर जैसा लगता है, वही से सांस लेती है, उसी से ऑक्सीजन खींच लेती है, सब छोड़ देती, खींच लेती छोड़ देती। सांप को क्या है, फुफकारता है, किससे फुफकारता है देखे हैं, सांप के बारे में नहीं लगा है, हैं? सांप किससे सांस लेती है, नाक है रे सांप, मेरे ख्याल से वो भी बॉडी के ही पार्ट से लेती है, होगा इसके आगे से लेती है, अच्छा ठीक है, उसका बात आएगा आगे, नहीं आएगा तो ऐड कर देंगे नेट पे देख करके। ये और प्लांट कैसे सांस लेती है, ये तो बहुत जरूरी चीज है, एटमॉस्फेयर से क्या लेती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती सुबह को और रात को, उसका उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन ले, आपको बताते हैं, सुनिए सुनिए पूरा बात सुनिए, आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए, वो जो CO2 लेती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेती है, लेकिन लेती वो भी ऑक्सीजन ही है, रात को लेती है, अब दिन में बिना भूखे मरेगा क्लास 10 में समझेगी, वो ऑक्सीजन भोजन को पचाने के लिए लेती है, ठीक है, सुबह भी लेती है, देखो CO2 तो लेती है ना, CO2 लेती है खाना बनाने के लिए, किसके लिए, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, लेकिन उस खाना को पचाने के लिए क्या लेती है, उसमें दो फंक्शन एक साथ होता है, लेकिन वो काफी कम मात्रा में होता है, ऑक्सीजन ही वो ज्यादा रिड्यूस करती है, इसीलिए तो हम लोगों को इस जमीन पर ऑक्सीजन जैसे मतलब पेड़ पौधे को ज्यादा लगा के रखना, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा ऑक्सीजन तो खतरा है, और बहुत कम हो जाएगा तो भी खतरा है, अच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, और आपके शरीर का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हाथी के जैसा हो जाएगा, ज्यादा मसल्स डेवलप हो जाएंगे, आप देखते होंगे जो जिम करता है जो दौड़ता है उसका शरीर ज्यादा डेवलप हो जाता है, क्यों, वो ड्यूरिंग ये फंक्शन ज्यादा ऑक्सीजन लेता है जिससे उसको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खाना खाने के कारण उसके शरीर में ज्यादा सेल्स का निर्माण होता है, इसीलिए वो बॉडी बनाता है, देखते हमें सांस लेता है ना, गहरा सांस लेता है, हाँ हाँ हाँ, बाबा रामदेव भी कहते कि ऑक्सीजन जो है नाक से खींचिए दूसरे नाक से छोड़िए,
योगासन। इसके अलावा है हमारे पास चर्चा की विषय वस्तु एक्सक्रीशन। क्या है चर्चा की विषय वस्तु? हाँ, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन तो ऐसा प्रोसेस है कि मत पूछो कि आप खाना खा लें और वो खाना तो पूरा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बन जाता है। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसा खाना जो नहीं पचता है, मतलब जो खाने से एनर्जी ले लिए अब उसका जरूरत नहीं है, वेस्टेज, सिट्ठी वेस्टेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए भी नली अलग बनी हुई, इधर से माउथ टू एनस, मुंह से लेकर के तक, ठीक है, तो मुंह से खाते हैं और से निकालते हैं। ये एक्सक्रीशन है। क्या है ये प्रोसेस? है बायोलॉजी में, आप पढ़ रहे हैं, कल को आप डॉक्टर बनेंगे। आप सोचना नहीं है कि किसको पढ़ना है, आप डॉक्टर हैं, आप हो सकता है कि मुंह से लेकर के माउथ टू एनस अच्छा लगता है सुनने में, ऐसे मुंह से लेकर के वो बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बोलते हैं, अच्छा भाषा नहीं रहता है, क्योंकि अपना भाषा होता है, थोड़ा सा इज्जत की बात है। इंग्लिश में खूब गरिया दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। नस कैसे दब जाता है? अभी नस दबने की बात हो रहा है, एक्सक्रीशन की बात हो रहा है। और उसके अलावा देखते हैं, देखिए गाय का गोबर निकाल रहे, एक्सक्रीशन है। और ज्यादा पानी हो गया शरीर में तो क्या करते हैं, कहां से निकाल देते हैं, एक्सेस वाटर, कुछ देखिए पसीना से निकल। उसके अलावा हम थोड़ा देर में बाथरूम भी जाते हैं, उधर भी एक्सक्रीट कर देते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा मालूम है? ये पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर यही शरीर में किसी को रह जाता है तो उसको बोलते किडनी फेल हो गया, और वो मुश्किल से कुछ ही दिन का फिर मेहमान होते हैं, क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जहरीला पदार्थ है, बाहर नहीं निकलने के कारण वो शरीर के अंदरूनी हिस्से में फैल जाती है और उनका क्रियाकलाप कम बंद हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुन। पेड़ पौधा भी एक्सक्रीशन करता है, हम लोग तो करवे करते हैं, सुनबे किए क्या क्या निकालते हैं। जो सुबह साफ से नहीं निकालता है वो सुबह सुबह क्लासरूम के पहले इस बेंच पे बैठ करके मास्टर जहां बोला नहीं कि मुंह एक अंदर लगता है, वो हवा को इंजेक्ट कर दिया, भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को क्या कि सुबह उठ के प्रॉपर वाटर पी करके वेस्टेज पदार्थ को सुबह में डिस्क्रीट कर देना है, एक्सक्रीट कर देना है, बाहर निकाल देना है, उसकी जरूरत नहीं शरीर में, वो टॉक्सिक है, समझने, वो जहरीला पदार्थ है। फिर भी बाय मिस्टेक इन केस ऐसा आ भी जाता है एयर, तो रोकना भी नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका पेट का इंटरनल फंक्शन कड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर जाता है, मसल्स है। कल आप डॉक्टर बनेंगे, अभी से आप ध्यान से समझेंगे बात, तभी तो आप फंक्शन को पढ़ेंगे। जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनेगा, यही ना पढ़ाई सब पढ़ के बनता है, जो सिंसियर होता है वही बनता है, सब डॉक्टर नहीं बनता। और डॉक्टर को पेशेंट का पूरा बात ध्यान से सुनना होता है, तब वो ओरिजिनल डॉक्टर है, ठीक है। अभी कहीं कहीं आपको नोचाता है, आप नोचाता है कहीं और बोल देंगे कहीं और, तो कैसा लगेगा, ट्रीटमेंट होगा सही से? नहीं हो पाए। इसीलिए एक्सक्रीट बहुत जरूरी है। लेकिन आप बता सकते हैं कि पेड़ प्लांट पौधे भी एक्सक्रीट करते, कहां करते हैं? पत्ता देखते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, गाना भी सुनिए। बारिश पतझड़ का मौसम होता है, जब साल में एक बार प्लांट अपने पूरे पत्ते को डिस्ट्रॉय कर देते, एक्सक्रीट करते, वो भी बाहर निकालते। कुछ वाटर का एक्सक्रीशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी करते, या जब वो भोजन बनाती है उस समय भी कुछ वाटर को एक्सक्रीट करती है, वो हम आगे क्लास में भी पढ़ेंगे 10 में कि ये पानी भी बाहर निकालती है, यानी प्लांट भी करती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करती है? No. नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हवा ही नहीं लेती, ना पानी लेती,
खाता ही नहीं तो सीधा बोलो भक्ता रामायण क्या है जब कुछ खेबे नहीं करता है तो जाएगा क्या अगली बाथरूम बार बार उन्हें जान है क्या। अब देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कहते हैं हिंदी में जनन प्रजनन। देखिए द प्रोसेस, ये लाइन को ध्यान पड़ी, फिर आपको क्लास एट में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ाएंगे, क्लास टेन में कंप्लीट पढ़ा देंगे। फिलहाल आप खाली सुनिए प्रोसेस बाय विच। हाँ दिख रहा है फोटो में, फोटो में दिखाना जरूरी है क्या इसको? सुन रहा है ना बच्चा, वो देख वो सीए बच्चा करता है, हमारा वायरलो नहीं होगा ना, उस सामने सेटिंग बढ़िया से आता है, दिखता ही है धुंधला बोर्ड आने के साथ, जो खोलेगा बच्चा उसको चले भी नहीं करेगा, बात खत्म है, जो सुनता है ये 80-85 बच्चा हमारा बस, जो पढ़ता है हमारे पास, और उतना ही बच्चा सब्सक्राइब कर रखा बस, हमारे पास अच्छा से अभी तक वो नहीं मिले हमको, वो क्या बोलते हैं वो जो एनालिसिसल जो एनालिटिक करते हैं, एक मिला है वो टेम्परेरी ज्ञान वाला है बच्चा, वो किसी तरह से उसको उसमें चढ़ा देता है, ये बहुत है तुमको नहीं कर रहे पुराने नहीं सीख सकते हो, फालतू जो करते हो मोबाइल में आ जाता है, एक दिन बैठ करके सीख लिया तुम कर सकता है हम जान रहे हैं, ये समझेगा ना रे कैसे आएगा, और खोलो नहीं कि चैनल बड़ा झकास दिखता है यार स्टार्टिंग में, हमारा कभी नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, देखेगा कौन शुरू कम से कम सीधा दिखता है, बच्चा जब खोलता है वो दिखता है कौन चमकीला दिखा रहा है किसमें हाईलाइट है, पढ़ाए मास्टर झकास 15 मिनट तो खाली रामायण देता, हम देखे ना क्या डेरी मास्टर का सुने, ऐसे पढ़ो ऐसे नंबर आएगा, ये आएगा वो आएगा, जैसे लगता है स्कूल सब बंद हो गया। तो ह्यूमन बीइंग आप देखें, आपके घर में आपका छोटा भाई होगा, छोटा बहन होता है, या आप ही छोटा है तो आप पहले बहुत छोटे होंगे, कैसे आए कैसे ये चीज हुआ दुनिया में सब, देखो युवा कितनी प्यारी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची है अभी, कितनी शांत रहती कितनी दुलारी है, जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे कितना खतरनाक होती तुमरे जैसा हो जाएगी, तुम खतरनाक नहीं हो, कम खतरनाक द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पीसीज, यानी अपनी प्रजाति के नए सदस्य को लाते हैं इस पृथ्वी पर, उसी को रिप्रोडक्शन करते, लाते कहां से, भगवान के घर से आता है, उधर अल्लाह देता है, वो तो दर्जन के हिसाब से पहले देता, आप थोड़ा कम आ भी है अल्लाह भी देता है, पहले बोलता था ऐसा मेरे गांव में, मेरे बहुत है मतलब ये सब अल्लाह की देन है, बोला अल्लाह की देती, अल्लाह की देन है, आदमी का काम ज्यादा है हमारे गांव में पहले के लोग, अब नहीं बोलते, अब नहीं, इसीलिए अच्छा चैप्टर है, पूरा दुनिया को पढ़ लिए अपने बारे में पढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई पर, आप कैसे आए, आप क्यों आए, आपका क्या कारण है, ये ज्यादा जरूरी है, आप पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, फिर आप किस तरह से अपने नए समाज का निर्माण करेंगे, ये देखिए चिकन्स आर हैस्ट फ्रॉम द एग्स, अंडा से कौन बाहर आता है, मुर्गी का बच्चा चिकन का, देखे भी होंगे नहीं तो हम लोग इतना मुर्गी का बच्चा मुर्गी खा रहे हैं फिर भी मुर्गी कम नहीं हो रही, अगर वो नया नहीं आता प्रोड्यूस नहीं होता तो हम लोग खा पाते, इसको इंसान से तुलना करके नहीं देखना है। इसके बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे आते हैं, किस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, कैसे इसको करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, ये सारी चीज को आप क्लास एट में पढ़ेंगे, अभी 2 साल है। कुछ प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है, पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं,
जैसे आप देखिए आलू का कट मार को जमीन में लगा दिया, आलू बन गया। यही आलू से बहुत सारे आलू बन गए, ये अपना प्रोड्यूस किया। लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन, ये एक इम्पोर्टेंट है। इस कछुए के फोटो को गौर से देखिए, कछुआ का फोटो, तो क्या देखते हैं, हर लिविंग थिंग्स का एक समय सीमा है, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। आप समझ ही होंगे, खत्म होने के कारण स्पेसीज को नया नया जनरेट करना पड़ता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर नहीं कोई खत्म होता ना, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम ही नहीं होता। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। मैन हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन 60 से 70 साल। हे आदमी कत्ता हो गया घट के 60 से 70 साल। हे भगवान, 40 साल तो हो गया रे महाराज, अभी 30 साल ही कमाने का, कै साल और कमा सकता हूँ, 20 साल अब कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं गधा सा बच्चा। अच्छा, इसमें चिंता की कोई वस्तु नहीं है, आदमी आता है आदमी जाता है, इसीलिए घबराना नहीं है। आपका काम है अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जीवन में एक मुकाम को, यह सच्चाई है, फिर भी लोग डरते हैं। किसी को आप भूल से भी कह दे तो मर जाओ, वो बहुत बुरा लगे, मारने मार दिया मेरे को, ऐसा बोल दिया, जबकि वो हकीकत है। जीव सीड्स का भी कुछ लिमिट समय होता है। इस तरह से आप देखिए क्या देखते हैं इस लाइफ स्पैन में। सो द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स सोन बाय व्हीट सीड इज रेस्पिरेशन। देखिए गेहूं के सीड को किस तरह से रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, गेहूं का बीज है, सीड डालते हैं, सीड मतलब बीज कहते हैं, ये भी रेस्पिरेशन करती, ये नहीं सोचिएगा कि ये रेस्पिरेशन नहीं करती, वो भी श्वसन करती, एनर्जी जनरेट करती है और फिर वो प्लांट बनती है। अब आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर को स्पष्ट कर ही लिए होंगे। पिछला टेस्ट आप लोगों के क्लास के बच्चे का लिया, जो मुझे काफी पसंद नहीं आया, ये किसी ने भी 50 में 50 टच नहीं किया। इस बार फिर से मैं इस लेसन का आपका टेस्ट लूंगा, जो सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग होगा। हैं, अब कहाँ है, अच्छा पहले यहाँ तक हाफ पार्ट का टेस्ट का तैयारी कीजिए, फिर हाफ पार्ट को और कोई दिन पढ़ा देंगे या कल परसों पढ़ लीजिए। कितना मिनट का बनाए, देखो तो 28 मिनट का, बंद करो।